आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सूजी और आलू से बना बेहद ही टेस्टी नाश्ता, जो आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी लेंगे, तो डेढ़ कटोरी यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल किया है। पानी में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और एक चम्मच के करीब तेल डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। अब आप देख सकते हैं पानी जो है ना वो गर्म हो गया है। तो जिस कटोरी से हमने पानी डाला था ना, उसी कटोरी से एक कटोरी सूजी लेंगे और सूजी को धीरे धीरे पानी में डालेंगे। जैसे जैसे सूजी पकेगी वो गाढ़ी होती जाएगी और एक अच्छा सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो सूजी का डो है ना वो बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो है गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो डो है ना इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये जो डो बन करके तैयार हो गया है ना, इसे हम ठंडा होने देंगे। काफ़ी गर्म है ये, तो इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। और जब ये डो ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें धनिया पत्ता या कड़ी के पत्ते डाल देंगे और इसे मसलते हुए अच्छे से सान लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो डो है ना इसे हमने सान लिया है और इसे साइड कर देंगे। और अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। हमने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे कड़ी के पत्ते, चम्मच डालेंगे जीरा और आधा चम्मच डालेंगे काले वाले सरसों। अच्छे से भून लेंगे और जब ये भून जाएगा इसमें प्याज डालेंगे। तो एक प्याज लिया हमने, प्याज को बारीक कट कर लिया है और तीन से चार हरी मिर्च है, इनको अच्छे से भून लेंगे एक से दो मिनट तक। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, धनिया का पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे ना, तो इसमें मटर डालेंगे। तो मटर को हमने आलू के साथ ही बॉयल कर लिया था, इसके जगह पे आप बादाम भी डाल सकते हैं। अब मसालों के साथ मटर को एक से दो मिनट तक भूनेंगे और जब ये भून जाएगा ना, तो इसमें आलू को डालेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है अच्छे से। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जिस हिसाब से नमक खाते हैं। और अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो स्टफिंग है ना, ये भी बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से आप कभी अपने घर पे बनाकर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। और अब इसे भी ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा ना, तो सबसे पहले हाथ में तेल लगा लेंगे और तेल लगा कर के डो का जो अच्छा सा लोइया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ना लोइया बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हाथों से ही हमें चिपटा लेना है, या आप चाहें तो इसे बेल सकते हैं, पर हमने हाथों से ही इसे चिपटा लिया है, पूड़ी का सिप दे दिया है। जो आलू का स्टफिंग बनाया था ना, उसमें इसे इस तरह से भर देंगे। तो आप किसी भी शेप में भर सकते हैं, हमने इसे पड़किया के रूप में भर लिया है इस तरह से। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया है, बाकी का भी हमने इसी तरह से बना लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हमने रिफाइन तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। और अब हमें इसमें डाल देना है और डाल करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। चलाते हुए चारों तरफ से इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो इन्हें कढ़ाई से निकाल लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, तो हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। और ये जो हमारा नाश्ता है ना, वो बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।